जना गना मना की धुन सुनकर किस भारतीय के मन में हलचल नहीं होगी। वंदे मातरम लफ्ज कान में पड़ते ही किस हिंदुस्तानी की आंखें नम नहीं होंगी। ऐसी ही यादों का पैगाम लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात समंदर पार गए, भारत की गरिमा और भारतीयों के गौरव को बढ़ाने। आप सबने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा बहुत इज्जत कमाई। पहली बार देश का शीर्ष नेतृत्व सीधा जुड़ा है प्रवासी भारतीयों के साथ। बड़े से बड़े देशों से लेकर छोटे से छोटे देश, वहां तक जाकर उन्होंने नए संबंध बनाए, पुराने रिश्तों में नई जान डाली और भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से दुनिया का परिचय कराने के लिए रात दिन एक कर दिया। लेकिन प्रवासी भारतीयों को अगर सही मायनों में भारत के करीब लाना हो तो इतना काफी नहीं था। तभी भारत सरकार ने सोचा, क्यों ना हमारे प्रवासी भारतीयों को देश की नीति निर्धारण की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए। इसी सोच को सार्थक करने के लिए बनाया गया प्रवासी भारतीय केंद्र, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2016 को किया। पहली बार प्रवासी भारतीयों के हो रहे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, जहां चर्चा परिचर्चा की गई है प्रवासी भारतीयों का भारत के सामाजिक एवं विकास संबंधी प्रयासों में योगदान पर, बेहतर वाणिज्य सेवाओं पर, भारत के पर्यटन की बढ़ोतरी पर, गिरमिटिया देशों के प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने पर और ईसीआर देशों में गए हुए श्रमिकों की समस्याओं पर। पर बात सिर्फ प्रवासी भारतीयों के गौरव और सम्मान की ही नहीं, उनकी सुरक्षा की भी है, जिसे हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पूरी संवेदनशीलता और कर्मठता के साथ बखूबी निभा रही हैं। दुनिया में जहां कहीं भी भारतीयों पर संकट की खबर आई, वहां वहां सुषमा जी की सीधी निगरानी के अंतर्गत मिशन मोड पर शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस। आज एक ट्वीट के माध्यम से लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण किया जाता है, चाहे वो 2 वर्षों से ईरानी जेल में फंसे निर्दोष सुशील कपूर हों, या हो सऊदी में अपना सब कुछ खो देने वाले नौशाद आलम, चाहे वो पाकिस्तान में फंसी मूक बधिर बच्ची गीता हो, या हो जर्मनी में अपने पति को ढूंढने गई गुरप्रीत कौर, बांग्लादेश में फंसा सोनू हो, या हो अफगानिस्तान में फंसी जुडिथ, जिनका घर वापस लौटना करीब नामुमकिन था, उन्हें भी सुरक्षित भारत लौटाया भारत सरकार ने। इन 2 वर्षों में 4 बड़ी निकासियां हुई हैं, इराक में 7,000 से ज्यादा, लीबिया में 3,000 से ज्यादा, यूक्रेन में 1,000 से ज्यादा और यमन में 4,000 से ज्यादा भारतीय, और यमन से ही लगभग 2,000 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम हुआ। साउथ सूडान से भी 150 से भी ज्यादा नागरिक सुरक्षित भारत लाए गए। भारत माता की, भारत माता की। प्रवासी भारतीयों का सम्मान, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों का योगदान, इन 3 नए आयामों के साथ इतिहास में पहली बार भारत सरकार 2.8 करोड़ प्रवासी भारतीयों से सीधी जुड़ रही है। आइए आज प्रवासी भारतीय दिवस पर गर्व और प्रेम की एक क्षण को मनाएं। जय हिंद।